लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मामा किसना फैजाबाद की तरफ ही गया है। छील दूंगा उसे भी। मुसाफिर हैं, दिल्ली तक जाना है। चुम्मन चाचा, चुम्मन चाचा के भतीजे, पहले नीचे उतरो। मैंने तो तुम्हें तभी देख लिया था जब तुम मेरी गाड़ी में बैठ रहे थे। समझ गया था कि रघुराज के किसी दाव पे से निकल रही होगे। मैंने सोचा निकलने दो, बाद में देख लूंगा। चलो तैर। सही किया आपने चुम्मन चाचा। अब ये दो बेघर औरतें, मैं निहत्ता इंसान, अब इनकी जिंदगी तो आप ही बचा सकते हैं। मैं? हाँ, अरे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की हर गली में चुम्मन मासूम किश्ती के नेकी के किस्से मशहूर हैं। चुम्मन चाचा, जिंदगी भर हरामी पना की है, नेकी के किस्से कहाँ से सुन लिए तूने? चाचा पटा रही है। समझ रही हूँ। अरे मुसीबत में तो भगवान को भी पटाना पड़ता है नन्हे मियाँ। क्यों चुम्मन चाचा, सही है ना? बोलता अच्छा, चल पटा। सुना अपनी दास्तान। देख, अगर तेरी दास्तान ठीक लगी तो मदद करूंगा, नहीं तो रास्ते में छोड़ दूंगा। अरे मुझे फैजाबाद जाना है। तुम्हारी दास्तान समझ में आ गई। दर्द भी है, सच्चाई भी है। अच्छा मुन्ना जी, इनको समझा दो, मैं जैसा कहूँ वैसा करें। जी, सबसे पहले मैं इनको सर्वेंट क्वार्टर में ले जाऊँगा, नवाब साहब के बगल में जो सर्वेंट क्वार्टर है। हाँ, फिर जो अल्लाह चाहे। अरे समझाओ ना अंग्रेजी में। हम समझ गए जो मन। अरे तुमने बताया नहीं, मैडम हिंदी भी बोलती हैं। मैं पता नहीं क्या बड़बड़ कर रहा था। थैंक गॉड गाली गलौज पे नहीं आया। मैडम, आई ऑल्सो स्पीक इंग्लिश लिटिल लिटिल। आज रात नवाब साहब की चौथी बीवी की शान में महफिल सजाई जा रही है। आप लोगों को ले तो चलूं, लेकिन दो खतरे हैं। एक तो ये है कि नवाब साहब को अंग्रेजों से सख्त नफरत है, और दूसरी बात ये कि वो हरामी प्रिंस रघुराज कभी भी आ सकता है। एक हल हो सकता है, नहीं मां बेगम। देखिए आप घबराइए मत, कल सुबह सुबह मैं आप लोगों को सही सलामत दिल्ली पहुंचा दूंगा। रुखसाना, ख्याल रहे कि मेहमान खाना ठीक से सजा दिया जाए। अरे चुम्मन, कहाँ हो तुम? सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। बड़ी भी, मैं तो खुद को ढूंढ रहा हूँ। जरा इनसे मिलिए। ये हैं आजमगढ़ के नवाब अख्तर मियाँ की बड़ी बेगम सायरा, और ये इनकी साहबजादी नाजिमा, और ये उनके दामाद असलम मियाँ। भाई नैमा बेगम के मेहमान तो हमारे मेहमान, तुम ख्याल रखना कि इनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी बिल्कुल। आई सलमा, माफ कीजिएगा। आप फिक्र मत कीजिए। भाई चुम्मन मियाँ, जरा नैमा बेगम से तो मिलाइए। जरा रुकिए, मैं देखता हूँ उनके मिजाज कैसे हैं। लेकिन आप घबराइए नहीं। Is this a safe place? I hope so. नैमा बेगम, वो जुम्मन मियाँ, ये आज तुम्हारी आवाज में खराश कैसी? जी वो ऐसे ही। तुम्हारे गले में ऐसा कौन सा सुर है जिसे हम नहीं जानते? सच कहा आपने। तुम उन लोगों को आज रात पना देना चाहते हो हमारी आड़ लेकर, यही ना? जी नैमा बेगम। तो इसमें छुपाने की क्या बात है?
ये तो सीना तान के सुनाने की बात है। दरअसल वो लोग बहुत तकलीफ में हैं नईमा बेगम। हाँ, अली ने उनकी पूरी कहानी सुनाई। जाइए, उन्हें बाइज्जत हमारे पास ले आइए। जो हुकुम। अरे मियां सुनो जी, हमारे यहाँ कुछ मेहमान खड़े थे। मालूम नहीं हुजूर। आइए आइए। नवाब साहब। जहे नसीब, खुदा की कुदरत है कि शाम सितारों से भर गई। बस अब हम आ गए तो मैं फिर भी जम गई। नाइमा बेगम तीन बार पूछ चुकी हैं प्रिंस रघुराज आए कि नहीं। उन्हीं की मोहब्बत है नवाब साहब जो खींच लाई हमें यहाँ इस हाल में। आपकी आँख। ये तो एक आँख है नवाब साहब, दोनों भी खराब होती तो हम आ जाते नाइमा बेगम के घर। आप ये है हमारी नई बेगम हुस्ना। आदाब। आदाब। बहुत तकदीर वाले हैं आप नवाब साहब, खुदा का शुक्र। आइए अंदर तशरीफ लाइए। ये लोग कहाँ गए? बड़ी बेगम उन्हें साथ लेकर गई है जनान खाने में। और वो उसे भी बिठाए अपनी खास जगह पर। मुसीबत हो गई। आवाज़ दो नईमा बेगम, महफिल सज चुकी है लेकिन बड़ी बेगम ने उन बच्चों को अलग अलग तिलमन के पीछे बिठा दिया है। तो क्या हुआ? वो मुश्किल ये है कि प्रिंस रघुराज भी यहाँ पहुंचा है। जुम्मन मियाँ, वो महफिल ही कैसी जहाँ दिल वालों के साथ साथ दिल जले ना हो। नहीं माँ बेगम। तुम दिल से दिल वालों के लिए गाना, दिल जलों का ख्याल हम रखेंगे। जाइए। कुंवर साहेब, औरत का दिल जीतना हो तो दिल से जीतो। ये क्या है? ये हमारा जाति मामला है नाइमा बेगम, आप हट जाइए। अगर हम ना हटें तो। ये भी खूब रही, हमारे आशिक हमारे ही कातिल बने। ले लीजिए जान हमारी, लेकिन अपनी जान तो बचाइए कुंवर साहिब। जरा मुड़ के तो देखिए। किसना। उफ, ये हथियार। शुक्रिया किसना, अब ये हमारी हिरासत में है और आप आजाद। आपकी इस मुश्किल में नाइमा की दुआएं और अल्लाह दोनों साथ हैं। थैंक यू नाइमा बेगम। वेलकम। किसना जाइए, जुम्मन मियां आपको बाहर मिलेंगे। शुक्रिया नाइमा बेगम। क्या कुंवर साहिब, आप सबको एक नजर से नहीं देखा करते? मदर, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स योर्स। नाइमा बेगम की इस बगी को रास्ते में कोई नहीं रोकेगा, अब आप जल्दी अपने वतन पहुंच जाएंगे। थैंक यू किस्ना। ये रहा खाना और पानी रास्ते के लिए। चलिए बैठिए, जल्दी से निकल चलें। जुमन, थैंक यू। शुक्रिया। बस। मेम साहब, हिंदुस्तान गरीब देश जरूर है लेकिन हम हिंदुस्तानियों का दिल बहुत अमीर है। प्यार और रिश्तों की सांसों में जीते हैं, चाहे खाने को कुछ मिले
yada mile. Kyun Kisna? For us, love is a love, is a love, is a love. Hey, ye kya? Ro rahi ho? O mere bachpan ke saathi mujhe bhul na jana.